नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। गम हो या खुशी हो, संगीत हमारे साथ रहता है, हमारे मन को सुकून देने वाला, हमारा मनोरंजन करने वाला। और ऐसे सुमधुर गीतों की रचना करने वाले, म्यूजिक कंपोज करने वाले, वो भले ही पर्दे के पीछे होते हैं, लेकिन हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, हमारे सम्मान के पात्र होते हैं और हम उन्हें देखना भी चाहते हैं जिन्होंने इतना सुंदर धुन रच करके हमारे मन को आनंद प्रदान किया। ऐसे ही एक म्यूजिक डायरेक्टर आज हमारे साथ इस मंच पर हैं, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपना संगीत दिया है, बहुत सारी एड फिल्मों में भी आप संगीत देते हैं। बहुत सारे जो हमारे सुप्रसिद्ध गायक हैं, चाहे वो सुनिधि चौहान जी हैं, श्रेया घोषाल जी हैं, सुखविंदर सिंह जी हैं, शान हैं, सोनू निगम जी हैं, इन सभी के साथ आपने कार्य किया है और बहुत अच्छे अनुभव हैं। लेकिन आप हैं यंगेस्ट फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम इस रूप में दर्ज है कि आप भारत के यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको प्राप्त हुए हैं। आप हैं बहन आंचल तलेसरा जी। आइए आपका स्वागत करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम शांति। बहुत अच्छा लग रहा है आपको कि इस उम्र में आपने इतनी ऊंचाई हासिल की है। तो ये जो म्यूजिक के प्रति आपका लगाव था या झुकाव था, वो बचपन से है, पेरेंट्स से प्राप्त हुआ, या फिर आपने कहीं और से इंस्पिरेशन ले? एक्चुअली बचपन से बहुत शौक था म्यूजिक का। मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट में ले गए थे, बहुत कम उम्र में मेरी थी उस टाइम। और वहाँ से जब मैंने मुझे सारी क्लासेस में घुमाया गया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप बजाना चाहोगे या गाना चाहोगे, तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विविड मेमोरीज आई हैव ऑफ माई चाइल्डहुड। वो एक एक उस टाइम का याद है मुझे, उस वो एपिसोड मुझे याद है। और वहाँ से संगीत की शुरुआत हुई और उसके बाद बस उसमें डूबते ही चले गए। हाँ, और मेरे डैडी मम्मी को बहुत शौक है म्यूजिक का जी, जी। तो वो मुझे नई नई सीडीज लाके, कभी कोई क्लासिकल आर्टिस्ट हरिप्रसाद जी, शिव कुमार शर्मा जी, सबकी मुझे ला के सुनाते थे, बेटा सुनो देखो इसमें कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है। तो ऐसा ये सब था। एक होता है कि हाँ, रुचि से हम किसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं कि हाँ वो मेरी हॉबी है, मेरा शौक है, लेकिन ये पैशन कैसे बन गया और आपने इसे प्रोफेशन के तौर पे जैसे चूज करना, उसे किस समय आपने चुना और लगा कि हाँ ये प्रोफेशन मेरे लिए बेहतर हो सकता है? एक्चुअली AR रहमान साहब एक म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत फेमस है इंडिया में, काफ़ी लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। तो उनका मैंने एक सॉन्ग सुना था बॉम्बे का, कहना ही क्या, और उसमें स्पेशली एक इंटरल्यूड म्यूजिक था, इतना मुझे भाया उसमें, कव्वाली टाइप का एक इंटरल्यूड म्यूजिक है, एकदम ही जैसा गाना चल रहा है उससे बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट में वो म्यूजिक था। और वो मैंने मेरी एक फ्रेंड के यहाँ घर पे सुना और दैट टाइम आई वाज लाइक दिस इज समथिंग एल्स, मतलब कोई अलग ही लेवल पे मुझे वो गाना ले गया। एंड आई फेल्ट मतलब कुछ स्पिरिचुअली कुछ मुझे लगा कि इतना डेप्थ है इस गाने में, और मुझे लगा मुझे इसी फील्ड में अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, इसी में मुझे फोकस करना चाहिए। तो मैंने फिर प्रैक्टिस और रियाज उस तरह से किया, कोशिश किया कि इसी फील्ड में करूँ। बहुत सुंदर, और इस कोशिश ने बहुत सुंदर एक अपना रूप दिखाया है कि आप अभी सब तक पहुंच रही हैं। जब लोग आपको, वैसे तो आप पर्दे के पीछे रहती हैं, लेकिन जब लोग जानते हैं कि हाँ ये वाला जो म्यूजिक है ये आंचल ने दिया है, और जब आपके सामने आते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, मतलब कैसा उनका प्रतिभाव रहता है जब वो जानते हैं कि आपने ही ये दिया हुआ है जो मेरा फेवरेट म्यूजिक है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि somebody appreciates, और वो भी अगर खुश होते हैं म्यूजिक सुन के जो अगर मैंने कंपोज किया है, तो अगर सोसाइटी में आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग थ्रू म्यूजिक, अगर किसी को पीसफुल लगता है, जॉय उससे खुशी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, कोई इंस्पिरेशनल सॉन्ग हो गया, मोटिवेशनल सॉन्ग हो गया, जैसे एक स्पोर्ट्स का कुछ बच्चों के लिए बनाया था, तो अगर
कुछ किसी को उससे मुझे अच्छा लगता है अगर उनको खुशी मिलती है तो म्यूजिक जी 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 और वैसे भी म्यूजिक से तो खुशी ही मिलती है और लोग सुन करके झूम उठते हैं। आगाज आपका इतना सुंदर है, शुरुआत ही इतना खूबसूरत है, आप बिल्कुल यंग हैं। क्या स्वप्न है आंखों में कि कहाँ तक पहुँचना है, क्या क्या करना है, आपके ख्वाब? मुझे बस ये है कि जितना मैं म्यूजिक के थ्रू लोगों को खुशी दे सकूं, उनको शांति अगर मिलती है म्यूजिक सुन के, और उसके लिरिक्स भी कुछ ऐसे हों कि जो अच्छा मैसेज कन्वे करें जिससे कोई इंस्पायर हो सके, तो वो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि हर इंसान को मतलब खुशी तो हर इंसान में वैसे ही है, बस हमको उसको अंदर से जागृत करना होता है। तो बस वो अगर म्यूजिक के माध्यम से जागृत हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। जब 70s के हम लोग जो गीत सुनते हैं और उसमें जो एक बहुत ही क्या कहें कि दिल को छूने वाली बातें, चाहे आपने लिरिक्स की बात कही या फिर आपने म्यूजिक की बात कही, आज के दौर में जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा एक धूम धड़ाके वाली बात होती है। क्या लगता है आपको कि थोड़ा सा हमें फिर से कुछ आत्मा को छूने वाली, दिल को राहत देने वाली कुछ इस म्यूजिक की ओर भी हमें चलना चाहिए, या आप उस प्रकार की चीजें भी कंपोज करने का सोच रहे हैं? एक्चुअली मुझे लगता है आर्ट एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बहुत खुशी फैला सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि उसको हम, मैंने तो संगीत एक पूजा की तरह सीखा है, मेरा ये मानना है जी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर उस अच्छा लिरिक्स हो, अच्छा म्यूजिक हो जिससे लोगों को दिल को छू सके, वो कुछ इंस्पायर हो सकें, वो मेरे को लगता है बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए रहता है। और तो ये इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, डांस का भी हो, कभी कभी फास्ट सॉन्ग्स भी बनते हैं, पार्टी के सॉन्ग्स भी हो, लेकिन वीकेंड मुझे लगता है उसमें भी हम बहुत डेप्थ ला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टी सॉन्ग है तो हम उसको मतलब लाइट या ऐसा उसमें कुछ लिरिक्स हम को कुछ मतलब जिसका ज्यादा डेप्थ नहीं हो वैसा डालें, कोई जरूरी नहीं है। चलिए तो हम फ्यूचर जो म्यूजिक है उसमें बहुत सारी नई नई चीजें सुनने वाले हैं, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आचल जी इस प्रकार का भाव रखते हैं, उद्देश्य रखते हैं। अध्यात्म को आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं अपने जीवन में, अपने करियर में? सर अध्यात्म तो मुझे लगता है हर इंसान की बेसिक, हमारी बुनियादी वहीं से है, क्योंकि सब कुछ तो आत्मा से ही शुरू होता है कि हम क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, हमारी आत्मा किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर आत्मा फाउंडेशन है मुझे लगता है, तो चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, डांस में हो, म्यूजिक में हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, आत्मा जितनी हम उसको मेडिटेशन करके प्योर रख सकें और अपने फिर प्रोफेशन में उसको इन्वॉल्व फिर हम हो, जैसे सुबह मेडिटेशन करके कामनेस के बाद फिर म्यूजिक में इन्वॉल्व हो, तो आई थिंक वो अब हमारे काम में भी बहुत डेप्थ आ जाएगी। जी जी जी। तो आप ऐसा अपनी दिनचर्या में कुछ करती हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं ये मस्ट है मेरे लिए, और जब मैं ये करती हूँ तो जो मैं कार्य करती हूँ उसमें ज्यादा निखार आ जाता है, ज्यादा गहराई आ जाती है? आप क्या करती हैं स्पेशली स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन को लेकर के? मैं मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन थोड़ा सबसे पहले आई डू, ताकि मैं अपने आप को एकदम काम स्टेट में ले जा सकूं। फिर उसके बाद कुछ थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कि मुझे क्या करना है, उसके बाद देन आई डू सम प्राणायाम एंड देन सम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जितना होता है, एंड देन आई स्टार्ट माय डे। तो मुझे लगता है बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में जी। तो मतलब म्यूजिक भी करें, थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी भी करें और मेडिटेशन स्पिरिचुअल हेल्थ का भी ध्यान रखें। बिल्कुल, तो ऐसा है। जब कभी आप किसी मतलब अपना कंपोज करती हैं म्यूजिक, या किसी बड़े इवेंट के लिए जा रही हैं, या बड़ा आपको ऑफर मिला, तो क्या कभी ऐसा अनुभव भी हुआ कि हाँ ये जो मैं कार्य करने जा रही हूँ ईश्वर की इसमें मुझे बहुत मदद मिली, या फिर उनकी तरफ से कुछ प्रेरणा मिली जिससे कि एक म्यूजिक मेरे अंदर पैदा हुआ, कुछ नए भाव और कुछ नए विचार मेरे अंदर आए, तो इस रूप में भी क्या कुछ अनुभूतियाँ आपको होती हैं? जी, मुझे एक्चुअली म्यूजिक कंपोज करते टाइम कितनी बार मुझे ऐसा लगता है कि कोई परमात्मा से कनेक्शन हो गया है, या डिवाइन कनेक्शन जिसको बोलते हैं, ऐसा मुझे लगता है जी।
और मुझे लगता है कि जो कंपोज हुआ है गाना, कभी कभी जो मुझे लगता है मेरे कैपेबिलिटी से बाहर हो गया है, तो ये कैसे हुआ है लाइक इतना, मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तो कि डिवाइन कुछ होता है, हाँ, परमात्मा का हाथ है जी, जी, ऐसा जी, मुझे लगता है। बिल्कुल। तो वही एक मूल बात आ जाती है कि कई बार यंगस्टर्स, जैसे आप बिल्कुल यंग हैं, तो उनमें ये रहता है कि नहीं अभी तो केवल करियर पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, उसी के लिए सारी चीज़ें, और अध्यात्म या मेडिटेशन के लिए सोचते हैं कि चलो ये तो 60 साल के बाद की चीज़ है, तब हम परमात्मा को, भगवान को याद कर लेंगे। तो ये जो एक मानसिकता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि स्पिरिचुअलिटी शुड बी, मतलब हमारा पार्ट ऑफ लाइफ सिंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ आर लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। जब बच्चे स्कूल में भी होते हैं तो वैल्यू एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज कोई भी प्रोफेशन हो, मेरा जैसे म्यूज़िक का है, तो अगर मैं ये लव, पीस, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, नॉलेज, ये सब वैल्यूज़ को साथ में कोऑपरेट करना, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये सब लेके साथ में अपने चलूं, तो बहुत शांति से काम भी हो जाता है और बहुत आसानी से हो जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। बाकी क्या होता है, कभी हम थोड़ा जैसे एक झूठ बोल दिया तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो हमारा मेंटल पीस कितना डिस्टर्ब हम हो जाते हैं। और मुझे इतना पता है कि म्यूज़िक बिना मेंटल पीस के नहीं कर सकते हैं, उसके लिए दिमाग रिलैक्स्ड होना, हम रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि म्यूजिक के साथ साथ सभी फील्ड के लिए बहुत जरूरी है कि मन शांत होगा तभी हम अपने कार्यों को सही तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन कई बार मूल्यों की बात आपने कही कि मन बहुत पीसफुल रहता है और बिना उसके तो हम कुछ कर नहीं सकते। कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि आज के दौर में जहाँ चारों तरफ झूठ है, फरेब है, उसमें वैल्यूज के साथ जीना मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में आप हैं और बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, आपको लगता है कि नहीं अपने वैल्यूज के साथ भी रहा जा सकता है और यही वास्तव में सफलता दिलाता है? मुझे एक्चुअली यही लगता है, वैल्यूज तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, मेंटल पीस के बिना तो कार्य अच्छा होता भी नहीं है। बिल्कुल। तो बट ये है कि जैसे बॉम्बे जैसे शहर में थोड़ा, मतलब थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है कभी, बिकॉज ऑफ, होना नहीं चाहिए, इतना स्ट्रांग हमको होना चाहिए हमारी सोल को कि ना हो कुछ भी। लेकिन जैसे नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह है, थोड़ा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, तो उसमें कभी कभी, और दूसरी भी बातें, स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, हेक्टिक लाइफ रहती है, तो लगता है कभी कभी थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं या शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, बट नहीं होना चाहिए। वही प्रैक्टिस है कि हम रोज मुरली सुने, ये सब करें, ताकि हमें पॉजिटिविटी आए। मुझे लगता है पहले से मेरे में ज्यादा इम्प्रूवमेंट है और होपफुली और ज्यादा होना चाहिए आगे। बिल्कुल होगा, क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में तो इसकी बहुत आवश्यकता है। तो आपने मुरली की बात कही, ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में कब आपका आना हुआ? मेरा अराउंड 7-8 ईयर्स बैक, 7 साल पहले। जी जी जी। तो फिर क्या परिवर्तन आपने खुद में पाया? आपको लगा कि यहाँ मैं आई हूँ तो हाँ, ये चेंज मेरे अंदर आया, या यहाँ आना मेरे लिए क्यों जरूरी था, या सबके लिए जरूरी है? नहीं, एक्चुअली सर, थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन सा था एक टाइम पे, तो एक फ्रेंड ने उस टाइम पे मुझे सजेस्ट किया, आपको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे कोर्स करिए, 7 डेज का कोर्स है और वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो मैंने कोर्स किया और उन्होंने बताया मुझे सब स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और सिस्टर्स इतने केयरिंग है, इतने कंपैशनेट होते हैं कि उनका, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू अ काउंसलर। आजकल मेनी पीपल गो टू काउंसलर्स, श्रिंक्स, साइकोलॉजिस्ट्स, तो इतना उनने इतना प्यार से बात की, मेरी बातों को समझा और रिप्लाई की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। फिर मैंने मुरली में भी जाना शुरू किया, और मेरे को कुछ अगर कोई प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो कभी कभी सोचते थे वहाँ जाके सिस्टर से बात करेंगे, तो पर जरूरत ही नहीं पड़ती है, मुरली में मुझे आंसर मिल जाते थे। तो बड़ा ही मिरेकल्स भी आई वुड से कुछ कुछ होते हैं वहाँ पे। तो अच्छा, मुझे ऐसा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी आज यहाँ पे यूथ कॉन्फ्रेंस में आके भी बहुत अच्छा लगा, सबके चेहरे इतने खिले रहते हैं,
इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एकदम जो सतयुग का बोलते हैं कि सतयुग वाला एनवायरनमेंट, और माउंट आबू है भी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस, सब ग्रीनरी है और सब अच्छा है यहाँ पे, बहुत मजा आया। जी। एक विशेष चीज कि बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक संगठन हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में क्या विशेष है जहाँ से सभी को कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है? अपने जीवन में हर एक सफल होना चाहता है, तो सफलता के कुछ यहाँ पे जो टिप्स है वो मिलते हैं, या फिर जीवन में और क्या प्राप्तियां होती हैं? मतलब एक मुझे रहता है कि व्यक्ति को ये रहे कि हाँ यहाँ ये मुझे मिलेगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ ये मिलता है जिसके कारण सभी को एक बार जरूर एक ब्रह्मा कुमारी जो संस्थान है वहाँ आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है यहाँ आके मुझे ये समझ आया, जैसे हमको सफलता चाहिए वो एक अच्छी बात है, लेकिन उसको रीच करने के लिए जो जर्नी है, हम ये सोचते हैं कि हम सफल होके फिर खुश होंगे। मैंने यहाँ पे ये सीखा कि हर मोमेंट जिंदगी का बहुत प्रेशियस है, और उसको हमको बहुत पूरा इंजॉय करके जीना चाहिए, और खुशी से हम अपना काम करेंगे तो सफलता अपने आप हमको मिल जाएगी। हमको उसके लिए इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जी। मतलब एक खुशी प्राप्त होती है, और खुशी लोग ये करते हैं कि जब हमें लक्ष्य मिल जाएगा तब हम खुश होंगे, लेकिन यहाँ ये सिखाया जाता है जैसे आपने कहा कि खुश होकर के कार्य करो आसानी से लक्ष्य हासिल होगा, और खुद भी खुश रहो और खुशियाँ बांटो भी सही जी, और चेहरा हमेशा खिला रहे, स्माइलिंग फेस होना चाहिए, कि मतलब हम ऐसे रहें कि दूसरे भी खुश हो जाएं हमको देख के इस तरह से, और जहां हम जाएं कोशिश करें हर जगह मतलब खुशियां बांटें। बिल्कुल। और ये चीजें यहाँ प्राप्त होती हैं जब हम अध्यात्म की शरण में आ जाते हैं। आप यदि कुछ गीत यहाँ ना गाएं तो अधूरा सा ही रहेगा, क्योंकि आप कंपोज तो करती हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी आवाज भी दी है, आप तबला भी बजाती हैं, मैंने सुना, हारमोनियम भी प्ले करती हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। आप कुछ सुनाएं हमारे दर्शकों को, मैं चाहूंगा जो आपने खुद कंपोज भी किया हो या आपने रचा हो या आपको जो प्रिय हो। तो सर एक सॉन्ग है रुपेश जी, राजयोग से बन जाओ राजा, राजयोग के ऊपर है जी। जो ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत फेमस एक मेडिटेशन है, तो वो सॉन्ग लिखा है जयवीर सिंह जी ने एंड मैंने उसको कंपोज किया है जी। तो आई विल सिंग फ्यू लाइंस। राजयोग से बन जाओ राजा, प्यारे परमात्मा में समा जा, राजयोग से बन जाओ राजा, प्यारे परमात्मा में समा जा, काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार को छोड़ के, काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार को छोड़ के, कलयुग से सतयुग में आ जा, राजयुग से बन जाओ राजा। क्या बात आपने हमारे सभी दर्शकों को राजा बना दिया, उसका एक सूत्र दे दिया कि राजयोग का अभ्यास करें, राजा बन जाएंगे और कलयुग से सतयुग में पहुंच जाएंगे, इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, और स्पेशली आप बिल्कुल यंग हैं, हमारे यंग दर्शक भी हैं, अपने फील्ड में चाहे वो म्यूजिक का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, वहाँ यदि उन्हें सफल होना है तो वो क्या करें, कुछ सूत्र आप देकर जाएं सभी को? मुझे ऐसा लगता है कि हमें एवरी मोमेंट ऑफ अ लाइफ वी शुड लिव टू द फुलेस्ट, और हमें गोल ज़रूर सेट करना चाहिए कि हम क्या चाहते करने के लिए, क्योंकि गोल होगा, एक डायरेक्शन होगा, तो हमको हम फोकस रहेंगे कि हमको इधर जाना है, और उसको लेके और वैल्यूज़ के साथ, जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं ब्रह्मा कुमारी जो ये यहाँ स्प्रेड करते हैं, इतना कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, कि लव, पीस, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इसके साथ हम आगे बढ़ते चलें, तो मुझे लगता है ऐसा करने से अच्छा सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सुंदर सा सूत्र दिया है हमारे सभी दर्शकों को। आप यहाँ आए, हमारे दर्शकों को इतनी सुंदर सुंदर बातें सुनाएं, और आपका जो भविष्य है मेरे साथ साथ मुझे लगता है हमारे सभी दर्शक बहुत ही उज्जवल देख रहे हैं, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को आप जैसी प्रतिभा मिली हुई है। आपके सभी सपने साकार हों ऐसी हमारी दिल की शुभकामनाएं हैं, और यहाँ आने के लिए एक बार पुनः आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो मित्रों, आप थे आंचल तलेसरा जी, जिन्हें हमने बहुत ही
गहराई से सुना मुझे लगता है, मुझे तो बहुत ही आनंद आया। इतनी कम उम्र में इतने सुंदर विचार कि अपने लक्ष्य पर भी हम एकाग्र, लेकिन अपने मूल्यों के साथ साथ आगे बढ़ना, अध्यात्म को अपने जीवन का आधार बनाना, ईश्वर से अपना नाता जोड़ करके रखना, और साथ ही साथ जो राजयोग की बात आपने कही कि राजयोग सचमुच राजा बनाने वाला है, अपनी कर्मेंद्रियों का भी, तो साथ साथ हमें बाहर भी लोगों के दिलों का राजा बनाने वाला। तो सचमुच हम भी अपने जीवन में मूल्यों को अपनाएं, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हम सफल ना हो। अल्टीमेटली हम सफलता चाहते हैं, लेकिन मूल्यों के साथ सफल होना ये अल्टीमेट सफलता है जो हमें संतुष्टि प्रदान करता है और साथ ही साथ लोगों के दिलों पर भी राज्य कराता है। तो आप सब हमारे साथ बने रहिएगा, इन सुंदर विचारों को अपने जीवन में लाते हुए अगली बार पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।